हेलो दोस्तों, लेट अस स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स समझने से पहले वी हैव टू डू सम बैकग्राउंड स्टडी ऑफ मोल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। मोल कंसेप्ट हम लोग को केमिस्ट्री का पहले आना चाहिए। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड मोल एंड देन वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ मोल इन अवर स्टडी ऑफ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो व्हाट इज मोल? मोल इज अ नंबर। सिंपल बात क्या है, मोल एक नंबर है। जैसे डजन एक नंबर होता है, डजन का मतलब क्या है, 12। एक डजन मतलब कितना, 12। तो वैसे ही एक मोल मतलब कितना, बड़ा नंबर है बट है एक नंबर ही। जैसे डजन में 12 होता है, वैसे मोल में 6.022 × 10^23। देखो 10^23 ये बहुत बहुत बड़ा नंबर है। 10^2 में दो जीरो होता है 1 के बाद, 10^23 में 23 जीरो होगा, और वही नहीं वो 6.022 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये बहुत बड़ा नंबर हम लोग को जरूरत क्यों पड़ता है? बिकॉज अगर मान लो एग्जांपल के लिए ये मैं लू, मान लो इसमें गैस है, मान लो इसमें क्या है, गैस। अगर इसमें गैस भरा हुआ है तो गैस कितना होगा, गैस मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं, मेनी मेनी गैस मॉलिक्यूल्स। तो इतने सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके लिए हम लोग को एक बहुत बड़ा नंबर लगेगा कि नहीं, कैलकुलेट करना है। जैसे सोचो अगर घर में हम लोग को आम कैलकुलेट करना है, कितने आम रखे हैं घर में, कितने आलू रखे हैं, कितने टमाटर रखे हैं, तो उसके लिए एक डजन काफी है। एक डजन आलू, एक डजन टमाटर, एक डजन आम, ठीक है। लेकिन अगर गेहूं गिनना है, चावल गिनना है, कितने चावल है, कितना राई है, तो वी नीड अ बिगर नंबर। तो इसीलिए जब गैस मॉलिक्यूल्स का बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स तो ऑलमोस्ट अनगिनत नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सो मच बिग नंबर दैट वी नीड दिस बिग नंबर 6.022 × 10^23। अ वेरी बिग नंबर मोस्टली यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ गैसियस एटम्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स। So we have to remember this value. 1 mole is equal to 6.022 × 10^23. अब देखो, अगर मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, एक डजन मैंगोस तो कितने आम होंगे? Of course, 12 mangoes. एक डजन आम, 12 आम। एक मोल आम तो कितने आम हो गए? 6.022 × 10^23 आम। It is a big number. इतने आम होते नहीं है, इतने लोग भी नहीं है, but this is very big number. But 1 mole mangoes will be this number of mangoes, 6.022 × 10^23 mangoes. एक डजन एटम्स मैंने बोला तो कितने एटम होंगे? 12 एटम। बट एटम्स तो बहुत सारे होते हैं तो हम लोग को लॉजिकली बड़ा नंबर लगेगा। सो वी टॉक अबाउट 1 मोल एटम्स, विच इज हाउ मेनी एटम्स, 6.022 × 10^23 एटम्स। तो इतने हमारे पास एटम्स हैं। फिर एक डजन शूज मैंने बोला, 1 डजन शूज, तो हाउ मेनी शूज? तो देखो, शू हम लोग लेते हैं दुकान में, अगर जूता खरीदने गए तो जूता हमेशा हम लोग को एक जूता दिखाओ बोलेंगे तो हम लोग को एक जूता कोई नहीं देगा, दो जूता देगा, क्योंकि हमारे पास दो पैर है तो दो पैर के हिसाब से दो जूते मिलेंगे। जब भी हम लोग बोलेंगे जूता बताओ तो ही विल गिव अस टू शूज, टू सिंगल शूज, एंड दैट मेक्स 1 शू पैर। तो अगर मैंने एक डजन जूता बोला तो कितने जूते आएंगे? तो 12 जूते पेयर्स, 12 शू पेयर्स, एंड विच इज 24 सिंगल शूज, 24 सिंगल शूज। यहां पे क्या लिखा है देखो, 24 सिंगल शू पीस, एक एक शू पीस, कितना शू पीस होगा? एक पैर में दो शू पीस है, एक पैर में, पैर का मतलब लेग नहीं बोल रहे, पी ए आई आर, इंग्लिश का पैर, 1 पी ए आई आर, पेयर ऑफ शूज, दैट मीन्स टू शूज, टू शू पीसेस। तो वैसे ही 1 dozen shoes means 12 shoe pairs, which is 24 single shoe piece. तो एक मोल शूज तो कितने शूज होंगे हम लोग के पास? 6.022 × 10^23 shoe pairs, क्योंकि शू हमेशा पैर में होता है, पैर मतलब पैर का बात नहीं करें, पैर मतलब टू, वी हैव टू शूज, विच इज डबल, डबल हो जाएगा। देखो एक शू पेयर में दो शूज है, तो वैसे ही 12 शू पेयर्स में 24 सिंगल शूज है,
तो वैसे ही 6.022 into 10 raised to 23 shoe pairs में double मतलब 12.044 into 10 raised to 22 single 10 raised to 23 single shoe pieces होंगे. तो this is about the shoes. ऐसा ही example earrings के साथ होता है. अगर female के earrings का बात करें तो female के earrings कितने होते हैं? दो कान हैं तो दो earrings लगेंगे. तो दो earrings. तो if we ask एक dozen earrings दो, तो how many earrings will we get? 12 pairs of earrings or otherwise 24 single earrings. So, वैसे ही one mole earrings will be 6.022 into 10 to 23 earring pairs or 12.044 into 10 to 23 single earrings. Double हो जाए. अब वैसे ही ये example मैंने क्यों लिया shoes का earrings का? Because कुछ molecules जैसे oxygen हो गया. Oxygen is diatomic. Oxygen अकेले नहीं रहता है. It is in diatomic form. जैसे earrings हम लोग को हमेशा दो मिलेंगे, shoes भी हम लोग को हमेशा दो मिलेंगे, वैसे ही हम लोग का oxygen है, वो भी हमेशा एक molecule में दो atoms है. In one oxygen, we have two oxygen atoms. In one oxygen molecule, we have two oxygen atoms. तो इसीलिए one dozen diatomic gas molecules will be 12 diatomic molecules, which is 24 single monoatomic atoms. जैसे अगर मैंने पूछा one dozen oxygen में कितने oxygen molecules होंगे? 12 oxygen molecules. और otherwise double मतलब 24 single oxygen atoms. क्योंकि oxygen कैसा रहता है हमेशा? Oxygen is in the form of O2, double होता है. तो इसीलिए O2 मतलब ये double हो जाएंगे. 12 का हो जाएगा 24. अगर मैंने same question पूछा one mole oxygen मतलब कितना होगा? 6.022 into 10 to 23 oxygen molecules. अभी कोई बोलेगा इधर मैंने molecule शब्द नहीं यूज किया. देखो इधर मैं oxygen सिर्फ लिखा है, molecule नहीं लिखा है. Molecule मतलब हम लोग का oxygen O2 होगा कि नहीं? सिर्फ oxygen बोलेंगे, is it single O or is it O2? सिर्फ oxygen बोला तो is it single O or is it O2 like this? The answer is सिर्फ oxygen मतलब it is O2. क्योंकि जैसे मैंने शूज बोला, शूज मेरे को दुकानदार को बोला शूज दो, तो वो एक शू लाता है या दो शू लाता है? दो शू लाता है क्योंकि दो पैर है, दो पैर में मुझे दो जूते लगेंगे. इन टू लेग्स आई नीड टू शूज. तो ही ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड्स दैट ही हैज टू गिव टू सिंगल शूज. तो वैसे ही ऑक्सीजन बोलते ही हम लोग को पूछना नहीं पड़ेगा ये मॉलिक्यूल है या एटम है. ऑक्सीजन एटम फॉर्म में नहीं होता है. ऑक्सीजन इज इन द मॉलिक्यूल फॉर्म, इट इज इन द कंबाइंड फॉर्म एंड इट इज O2 itself. तो डायरेक्टली हम लोग उसको O2 मान के ही गिनती करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे. तो वन मोल ऑक्सीजन इज 6.022 इंटू 10 टू 23 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, विच इज 12.044 इंटू 10 टू 23 ऑक्सीजन एटम्स. एटम्स गिनेंगे तो डबल हो जाएगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स. इफ आई आस्क यू वन डजन हीलियम, तो हीलियम देखो हीलियम मोनो एटॉमिक है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होता. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन, ऑल दिस आर नोबल गैसेस. ऑल ऑफ देम एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म. तो वन डजन हीलियम मतलब कितना होगा? 12 हीलियम एटम्स. तो वैसे ही वन मोल हीलियम इज 6.022 इंटू 10 टू 23 हीलियम एटम्स. यहां पे मोनो एटॉमिक है वो अंडरस्टूड है, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है. तो बोलने का जरूरत नहीं है ये हीलियम का मॉलिक्यूल है या एटम है, वो ऑफकोर्स सिंगल ही रहता है. देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट केस विच इज वन डजन ओजोन. ओजोन देखो ओजोन क्या होता है? O3. ओजोन क्या होता है? O3. तो वन डजन ओजोन मतलब 12 ओजोन मॉलिक्यूल्स. एक डजन ओजोन मतलब 12 ओजोन मॉलिक्यूल्स. अब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3. एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 3. तो 3 एटम्स हैं इसलिए 12 × 3 36 ऑक्सीजन एटम्स होंगे. एक ओजोन मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है तो 12 ओजोन मॉलिक्यूल्स में 36 ऑक्सीजन एटम्स होंगे 3 times. ये समझ में आया? वन ओजोन मॉलिक्यूल मींस 1 O3 विच इज 3 ऑक्सीजन एटम्स. तो वन डजन ओजोन इज 12 ओजोन मॉलिक्यूल्स विच इज 12 × 3 36 ऑक्सीजन एटम्स. तो वन मोल ओजोन क्या होगा? 6.022 into 10 to 23 ओजोन मॉलिक्यूल्स विच इज 3 times मतलब 18.066 into 10 to 23 ऑक्सीजन एटम्स.
Then the last case, 1 dozen carbon dioxide, 1 dozen carbon dioxide. तो 1 dozen carbon dioxide में कितने carbon dioxide molecules होंगे? 1 dozen carbon dioxide में कितने carbon dioxide molecules होंगे? Of course, 12 carbon dioxide molecules होंगे. 12 carbon dioxide molecules. अब 12 carbon dioxide molecules में कितने carbon atoms हैं? एक molecule में एक carbon atom है. एक molecule में, एक CO2 molecule में एक carbon atom है. तो 12 carbon dioxide molecules में 12 carbon atom होंगे, तो 12 carbon atoms. ये समझ में आया? अब एक carbon dioxide molecule में कितने oxygen atoms हैं? दो oxygen atoms हैं. Double. दो oxygen atoms हैं. तो कितने oxygen atoms होंगे एक dozen carbon dioxide में? तो double. मतलब 12 into 2. 24 oxygen atoms. 24 oxygen atoms. अब total number of atoms कितने हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तो कौन-कौन से एटम है? कार्बन एटम है, ऑक्सीजन एटम है. कितना कार्बन एटम है? एक कार्बन एटम है. कितना ऑक्सीजन एटम है? दो एटम है ऑक्सीजन का. तो टोटल एटम्स कितना है? एक कार्बन का एटम, दो ऑक्सीजन का एटम. तो एक और दो तीन. टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? तीन. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में तीन एटम्स हैं, जिसमें से एक कार्बन का है, दो ऑक्सीजन के हैं. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में तीन एटम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स तीन हैं. तो एक डजन कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 12 × 3, 36 एटम्स. टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 3 × 36 एटम्स, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड में तीन एटम है. तो एक डजन कार्बन डाइऑक्साइड में 12 × 3, 36 एटम्स होंगे. तो सिमिलरली 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स? 6.022 × 10⁰³ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. तो ये मैंने लिख दिया. अब इसमें कार्बन एटम्स कितने होंगे? तो जितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है उतने ही कार्बन एटम्स होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन का एटम है. तो इतने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स में उतने ही कार्बन के एटम्स होंगे. तो दिस 6.022 × 10⁰³ कार्बन एटम्स. हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स? एक कार्बन डाइऑक्साइड में दो ऑक्सीजन एटम है, तो डबल. तो मतलब कितना हो जाएगा इसका डबल? मतलब 12.044 × 10⁰³ ऑक्सीजन एटम्स. अब टोटल एटम्स का बात करें, एक कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स तीन है, एक कार्बन का, दो ऑक्सीजन के. तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में तीन ऑक्सीजन, तीन टोटल नंबर ऑफ एटम्स है. तो तीन एटम्स है तो 3 times 18.066 × 10⁰³ टोटल एटम्स. तो दिस विल बी द केस विद कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये तो हम लोग को समझ में आया. तो वन, इफ यू अंडरस्टूड दिस केयरफुली, वी हैव टू सी वन मोर नोटेशन फॉर मोल. देखो ये जो मोल मैंने लिखा है इसका और एक नोटेशन है. इसको हम लोग एन ए से दिखाते हैं. कैसे दिखाते हैं? एन सबस्क्रिप्ट ए, कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट, ये सबस्क्रिप्ट में कैपिटल एन सबस्क्रिप्ट कैपिटल. अब ये जो है इसको बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर. इसको क्या बोलेंगे? अवोगैड्रो नंबर. तो इसको अवोगैड्रो नंबर बोला. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अवोगैड्रो नंबर? 6.022 × 10⁰³ एटम्स. एटम्स है तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स, शूज है तो शूज, मैंगोस है तो मैंगोस, एनीथिंग. तो 1 मोल इज अवोगैड्रो नंबर. अब 1 मोल मैंगोस, व्हाट वी कैन से अवोगैड्रो नंबर ऑफ मैंगोस, एनए मैंगोस ऐसा बोल सकते हैं. 1 मोल मैंगोस, अवोगैड्रो नंबर ऑफ मैंगोस, एनए मैंगोस. 1 मोल एटम्स, अवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स. 1 मोल शूज, अवोगैड्रो नंबर ऑफ शूज पेयर्स. 2 times अवोगैड्रो नंबर ऑफ सिंगल शू पीसेस, ये 2 times. 1 मोल डायटोमिक गैस, 1 मोल डायटोमिक गैस, अवोगैड्रो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. 2 times अवोगैड्रो नंबर ऑफ सिंगल गैस एटम्स. 1 मोल हीलियम, अवोगैड्रो नंबर ऑफ हीलियम एटम्स. 1 मोल ऑक्सीजन, अवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. 2 times अवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. 1 मोल ओजोन, अवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ओजोन मॉलिक्यूल्स. 1 मोल ओजोन, अवोगैड्रो नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स. 3 times अवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, क्योंकि एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम है. तो 3 times अवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स. फिर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, अवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, एनए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स. एनए कार्बन एटम्स,
2 times Na oxygen atoms, 3 times Na total atoms. So this is the concept which we have to remember and understand. Now coming to the notation, अब हम लोग मोल का नोटेशन पढ़ना चालू करेंगे, उसका फॉर्मूला पढ़ना चालू करेंगे. तो इज दिस अंडरस्टूड? सो आफ्टर दिस वी स्टार्ट विद द फॉर्मूले ऑफ मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट में हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले है, तो फर्स्ट आई राइट द फॉर्मूला, फिर उसका मैं डेरिवेशन समझाएगा. पहले तो जो फॉर्मूला लिखा है ये याद करो. व्हाट इज द फॉर्मूला? स्मॉल एन, यहां पे लिख देता है मैं, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू एम अपॉन MW is equal to V upon 22.4 liter. So this formula we have to remember at first. पहले हम लोग ये formula याद कर लेंगे. Small n is equal to capital N upon capital NA is equal to capital M upon capital M subscript W is equal to capital V upon 22.4 liter. तो ये formula पहले तो याद करो. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है ये? नंबर ऑफ मोल्स. स्मॉल एन डिनोट्स नंबर ऑफ मोल्स. यहां पे स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स. हियर स्मॉल एन डिनोट्स नंबर ऑफ मोल्स. कैपिटल एन डिनोट्स नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. कैपिटल एन ए इज अवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. कैपिटल एम इज मास. एम सब्सक्रिप्ट डब्ल्यू, कैपिटल एम सब्सक्रिप्ट डब्ल्यू इज मॉलिक्यूलर वेट. कैपिटल वी इज वॉल्यूम. तो ऐसा हम लोग का ये फॉर्मूला है, और ये वॉल्यूम का यूनिट लीटर में लेना है हम लोग को. यहां पे वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर. तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम लोग ग्रैब करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन. बट बिफोर राइटिंग द डेरिवेशन लेट मी राइट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स. स्मॉल एन क्या है यहां पे? हियर स्मॉल एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स. स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स. कैपिटल एम क्या है? नंबर ऑफ एटम्स. कैपिटल एम क्या है? नंबर ऑफ एटम्स. और दूसरा क्या है? मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. कैपिटल एन सब्सक्रिप्ट ए, दिस इज अवोगाड्रोस नंबर. ये क्या है? अवोगाड्रोस नंबर. इसका वैल्यू कितना है? एज आई टोल्ड यू 6.022 इंटू 10^23. फिर उसके बाद कैपिटल एम क्या है? व्हाट इज कैपिटल एम? तो कैपिटल एम इज मास ऑफ गैस. कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ गैस. एम सब्सक्रिप्ट डब्ल्यू, दिस इज एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर मोनो एटॉमिक गैस है. और अगर मान लो डायटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है, देन दिस इज मॉलिक्यूलर. Then V is volume of gas. V क्या है? Volume of gas. As I told you, its unit is in liters. किस unit में हम लोग को लेना है? Liters. And 22.4 वो तो liter है ही. तो these are the terms which we should remember. ये सब terms हम लोग को याद रखना है. Small n, which is equal to capital N upon capital N subscript A, which is M upon MW, which is V upon 22.4 liter. Small n here is number of moles. Capital N is number of atoms or molecules. Na is Avogadro number, which is 6.022 into 10^23. M is mass of gas. Mw is atomic weight or molecular weight. V is volume of gas. अब देखो इसमें doubt आ सकता है हम लोग को कि atomic weight लेना है या molecular weight लेना है, atoms लेना है या molecules लेना है. तो इसका doubt का answer मैं पहले बता देता है. अगर हम लोग का गैस कैसा है? मोनो एटॉमिक गैस है. कैसा है? मोनो एटॉमिक. हम लोग को पता है कि मोनो एटॉमिक ये, तो उस केस में हम लोग एटम्स लेंगे, मॉलिक्यूल्स नहीं लेंगे. जैसे हीलियम बोला, क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम. हीलियम क्रिप्टन, आर्गन, ज़ेनन, रेडन, ये सब मोनो एटॉमिक गैस है. तो इन दैट केस वी विल कंसिडर एटम्स. और उसका कौन सा वेट लेंगे? एटॉमिक वेट लेंगे या मॉलिक्यूलर वेट लेंगे? वी विल टेक एटॉमिक वेट. मोनोएटॉमिक है एटम के फॉर्म में. मोनोएटॉमिक है मतलब किस फॉर्म में है? एटम के फॉर्म में. तो वी विल कंसीडर एटॉमिक वेट एंड वी विल कंसीडर एटम्स. अगर डायएटॉमिक है या फिर ट्राइएटॉमिक है,
ट्राइटम. तो फिर वी विल कंसीडर मॉलिक्यूल्स. वी विल कंसीडर व्हाट? मॉलिक्यूल्स. एंड वी विल कंसीडर विच वेट? मॉलिक्यूलर वेट. हम लोग कंसीडर करेंगे मॉलिक्यूलर वेट. मॉलिक्यूलर वेट कब लेना है? जब डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है. और लास्टली अगर कंपाउंड फॉर्म में, किस फॉर्म में है? कंपाउंड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर H2O या फिर अमोनिया. तो ये सब कंपाउंड फॉर्म में, तो कंपाउंड भी मोनोएटॉमिक तो नहीं है. वी हैव मेनी मेनी एटम्स हियर. तो इसीलिए वी विल कंसीडर व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो अगर मान लो मैंने क्वेश्चन पूछा हीलियम गैस के बारे में, पता चलो बताओ मुझे व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस. तो स्मॉल एन इज एन अपॉन एन ए, वेयर एन इज नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, विच इज एम बाय एम डब्ल्यू, वेयर एम डब्ल्यू इज एटॉमिक वेट. अगर हीलियम है तो हम लोग कौन सा लेंगे? एटॉमिक वेट लेंगे. And we will consider number of helium atoms. और अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मतलब O2. ऑक्सीजन मतलब कौन सा हो गया? O2. ऑक्सीजन बोलते हैं हम लोग समझ जाएंगे इट इज O2. तो O2 है तो फिर क्या लेंगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स. एंड वी विल कंसिडर मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन. वी विल कंसिडर मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन. तो ऐसा हम लोग को एटम और मॉलिक्यूल लेना है. और एटोमिक वेट और मॉलिकुलर वेट में क्या फर्क है तो ये तो पता ही है सबको, बट लेट मी टेल यू. जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए कैसे लेते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन. ऐसे तो ये सब एटम्स है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब इसमें कौन डायटॉमिक फॉर्म में है? तो जो हम लोग को अच्छे से पता है, फ्लोरीन इज डायटॉमिक फॉर्म, नियॉन इज सिंगल, नियॉन इज क्या? नोबल गैस. हीलियम इज ऑल्सो अ नोबल गैस. हीलियम कैसे रहेगा? अकेले. हीलियम इज सिंगल. ऑक्सीजन इज O2, नाइट्रोजन इज N2. कार्बन डिपेंड्स ऑन कंपाउंड, कार्बन अलग अलग कंपाउंड फॉर्म में रहेगा. बोरॉन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपाउंड. तो ये मोनो एटॉमिक तो नहीं बोल सकते हम लोग, इट डिपेंड्स ऑन द कंपाउंड. बेरिलियम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपाउंड, लिथियम ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कंपाउंड. Li2 मॉलिक्यूल होता है कभी भी, बट हाइड्रोजन एटलीस्ट. ये सब डायटॉमिक्स है जो मैंने गोल किया, डायटॉमिक. दीज आर ऑल डायटॉमिक. वन बी चाय पुट इन सर्कल, जो सर्कल किया है वो सब कैसा है? डायटॉमिक. तो हम लोग डायटॉमिक है तो हाइड्रोजन बोलते हैं. शुड आई कंसिडर एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट? मॉलिकुलर वेट. तो मॉलिकुलर वेट हाइड्रोजन का, पहले तो एटॉमिक वेट कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी वन है और एटॉमिक वेट भी वन है. एटॉमिक नंबर भी क्या है? वन. और एटॉमिक वेट भी क्या है? वन. तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम्स है? दो. तो मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा? मॉलिकुलर वेट टू. मॉलिकुलर वेट विल बी टू. एटॉमिक वेट वन है तो मॉलिकुलर वेट डबल होगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम है. अब बात करें नेक्स्ट नाइट्रोजन का. नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 है. एटॉमिक नंबर 7 है. एटॉमिक नंबर 7, उसका डबल एटॉमिक वेट 14. तो 14 एटॉमिक वेट है लेकिन एक मॉलिक्यूल में कितने नाइट्रोजन एटम्स है? दो. तो इसलिए 2 × 14 28 is the molecular weight. 28 AMU. 2 AMU. Atomic mass unit. Oxygen. Atomic number is 8. So atomic weight is 16. Atomic weight कितना है oxygen का? 16. तो 16 atomic weight है. लेकिन एक oxygen molecule में कितने oxygen atoms है? दो oxygen atoms है. एक oxygen molecule में कितने oxygen atoms है? दो. तो 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32 AMU. मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन. फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 18. तो 18 × 2 = 36 AMU. दिस विल बी द मॉलिकुलर वेट ऑफ फ्लोरीन. तो ऐसा हम लोग का ये मॉलिकुलर वेट कैलकुलेशन होगा. तो वैसे ही अगर मैंने और एक एग्जांपल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट क्या है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. तो एटॉमिक वेट 12. तो एटॉमिक वेट कितना हो गया? 12. प्लस ऑक्सीजन दो एटम्स है. 2 × 1 का कितना है? 16. एक ऑक्सीजन 16. देखो एक ऑक्सीजन का कितना है? 16. तो टोटल कितना आएगा? 44 AMU. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का वेट कितना है? 44 AMU. तो ऐसे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे. नाउ लेट अस स्टार्ट डिराइविंग दिस फॉर्मूला. स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन na इज इक्वल टू